नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। भले ही सरकार सर्व शिक्षा अभियान का नारा देकर अभियान को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उनके ही कुछ बिगड़ैल अधिकारी उनकी मंशा को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बाराबंकी का एक ऐसा सरकारी स्कूल जहाँ सुविधाएं खस्ता हाल है और मजबूर और बेबस बच्चे छाता लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं। और ये पहली बार नहीं है जब देश का भविष्य ही खतरे में है। इससे पहले भी ना जाने कितने ऐसे हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ चुकी हैं। सोचिए कि एक तरफ देश के नाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां जुड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और तो और, जब पत्रकार ने इस खबर को उजागर किया तो उल्टा डीएम ने ही नोटिस दे डाली। अब इस घटना के बाद तो ये साफ है कि लोग भले ही मीडिया को बिकाऊ बताते रहे, लेकिन डीएम की इस हरकत पर क्या कहेंगे आप? प्रदेश की योगी सरकार ने बजट में स्कूली बच्चों के जूते, मोजे, स्वेटर, किताबें और यूनिफॉर्म के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान रखा है, लेकिन बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल की हालत अलग ही कहानी बयां कर रही है। बाराबंकी के विकास खंड बनी कोडर में स्थित प्राथमिक विद्यालय शंकरगढ़ का मामला है। यहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। इन स्कूलों की दीवारों और छतों में दरार पड़ गई है। बारिश ने स्कूल का बुरा हाल कर दिया है। वहीं छत से पानी टपक रहा है, बावजूद इसके छात्र यहीं पढ़ने को मजबूर हैं। मेरा नाम देवी प्रसाद, शिक्षा एवं प्राथमिक विद्यालय शंकरगढ़। अभी सर 2 दिन पहले मेरा यहाँ अटैचमेंट हुआ है। यहाँ आकर के मैंने देखा कि छात्र संख्या काफ़ी है, 71 बच्चे यहाँ पर दर्ज हैं और एक अध्यापिका और हमको मिलाकर अब 2 लोग हुए हैं। तो हमारे पास 2 अतिरिक्त कक्षा हैं और बाकी जो सरकारी ये भवन है, बिल्डिंग जो बनी है, ये पूरी तरीके से जर्जर है, जहाँ पर बैठा नहीं जा सकता है। मजबूरी में हमको छाता लेकर के बच्चों को यहाँ शिक्षण कार्य करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इतने बच्चे हैं, एक कक्षा में समाहित नहीं किए जा सकते हैं एक अध्यापिका, और इतने बच्चे उसमें से हम आ गए हैं, तो कुछ बच्चे हम भी लेकर के यहाँ शिक्षण कार्य करते हैं, लेकिन अब एक कमरे में तो दोनों लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इस जर्जर भवन में बैठने के लिए विवश है। ये सरकार की व्यवस्था है कि ऐसे में बैठ करके हमको शिक्षण कार्य करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ शौचालय तो बिल्कुल नहीं है। शौचालय के लिए इतनी बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ सयानी बेटियाँ हैं, बच्चे भी सयाने हैं, और बरसात का मौसम भी है। अगर किसी को शौचालय जाना हो तो बच्चे कहाँ जाएँ, शौचालय बना नहीं है। देखिए, ग्राम पंचायत की बात है और ये गांव में एक ही स्कूल सरकारी होता है, तो सरकारी स्कूल अगर ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी चाहे तो सरकारी स्कूल की दशा निश्चित सुधार सकता है। तो ये जबकि जिलाधिकारी महोदय भी इस पे काफ़ी लोगों को, सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिए हैं,
तो इसको अगर कोई ऐसी विशेष बात होगी हम देखते हैं उसमें हमारे लेवल से क्या हो सकता है, और अन्यथा उस पर उसको फोकस डाल के और प्रेसराइज करके उसको कार्य कराया जाए कि इसकी इसीलिए प्रणायाम के माध्यम से जा रहा है हमारे यहाँ सभी जिलों में और वो स्टेट लेवल पे देखा जा रहा है इस चीज़ को कि उसको हम किसी विद्यालय में क्या नीड्स हैं और क्या होनी चाहिए। अगर दो हैंडपंप है खराब है तो उसको सही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि शासन प्रशासन इस पर काफ़ी फोकस कर रहा है और हमारे कायाकल्प वास्तव में कायाकल्प होगा विद्यालयों का, ऐसा हमें उम्मीद है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं ऐसे ही चौंकाने वाली खबर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।